दोस्तों जब भट्ट कैंप ने ब्रिटिश पोर्न स्टार सनी लियोनी को भारत में लाकर उन्हें फिल्म देने का फैसला किया तो खूब हो हल्ला मचा। बॉलीवुड में तो इसके खिलाफ आवाजें उठी ही, कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया। लोग एक पोर्न स्टार को फिल्मों में लाने के खिलाफ थे। खिलाफत के बावजूद सनी लियोनी फिल्मों में आई। भट्ट कैंप की फिल्म जिस्म 2 से उनका बॉलीवुड करियर शुरू हुआ। इस फिल्म की कहानी बेहद औसत थी। यदि फिल्म ठीक ठाक कमाई करने में सफल रही तो इसके पीछे की बड़ी वजह सनी लियोनी रही। इसके बाद सनी की चर्चाएं बढ़ती ही गई। सनी लियोनी ने इस फिल्म में खूब एक्सपोज किया। इस फिल्म में दो हीरो थे, अरुणोदय सिंह और रणदीप हुड्डा। फिल्म की पटकथा कुछ यूं बनी थी ताकि सनी लियोनी के किस और बेडरूम सीन दोनों के साथ हो सके। फिर आई रागिनी की बारी। एकता कपूर को फिल्म इंडस्ट्रीज में महेश भट्ट का तोड़ माना जाता है। एकता कपूर के खाते में भी बोल्ड फिल्मों की भरमार है। भट्ट कैंप से हिट होने के बाद एकता कपूर ने सनी लियोनी को हाथों हाथ लिया। एकता ने सनी के साथ मिलकर रागिनी MMS की सीक्वल फिल्म बनाई, बेहद बोल्ड फिल्म। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की सबसे बोल्ड फिल्म कहा जा सकता है। फिल्म में लगभग लाइव सेक्स सीन दिखाए गए। यह फिल्म 50 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। यदि पूरी फिल्म के नक्शे को देखें तो पाएंगे कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ सनी लियोनी का एक्सपोज है। लाइव सेक्स सीन, इस फिल्म में सनी लियोनी ने लाइव सेक्स सीन दिया है। यह सीन हिंदी सिनेमा के लिए बिल्कुल नए किस्म का प्रयोग था। बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग अकेले बंद कमरे में हुई। फिल्म के एक सीन को सेंसर बोर्ड को कट करना पड़ा था, पर नहीं चली थी जैकपॉट। सनी लियोन की एक और फिल्म जैकपॉट को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी कि बाकी दो फिल्मों को मिली। केजाद गुस्ताद निर्देशित यह फिल्म औंधे मूंग दी। सनी लियोन का जादू भी इस फिल्म को बचा नहीं पाया।